गौरीनाथं विश्वनाथं शरणं पूर्णानन्दं देवदेवं नमामि। भाई साहब घबराओ नहीं गंगा बहन, हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और फिर ये भी तो एक मंदिर है, इंसाफ का मंदिर। तुम देख लेना, राम शास्त्री बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। भैया ये साधु जी कौन है? ये शिवराज शास्त्री जी, देवीपुर मंदिर के पुजारी। वकील साहब कह रहे थे हमारा केस अभी शुरू होने वाला है, तुम वहाँ जाके आराम से बैठो, मैं चलता हूँ। जाओ। अरे ये औरत, वो तो मुझे नहीं मालूम। नट्टू, लगता है इसका पति किसी लफड़े में फंसा हुआ है। खूबसूरत औरत, गोद में बच्चा, कहीं पड़ जाए तो माल अच्छा मिलेगा। नमस्ते बहन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको शास्त्री जी के साथ देखा था। जी वो मेरे भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक दो बार देवीपुर मंदिर गया हूँ, लेकिन वहाँ आपको कभी देखा नहीं। हम मधुपुर में रहते हैं। कोई मामले मुकदमे की बात हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं वकील हूँ ना। हमारे वकील साहब हैं। ओह अच्छा, ये आपका बच्चा बहुत रो रहा है, भूख लगी है शायद। यहाँ कहीं दूध मिलेगा? जी यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ नीचे कैंटीन है, वहाँ मिल जाएगा। कहिए तो मैं ला दूँ, मगर आप तो ब्राह्मण होंगी और मैं जो। मैं लाती हूँ, आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? जी जी मैं हूँ ना यहाँ, और फिर आपका सामान भी तो है। आप जाइए। गंगा देवी मधुपुर, शिवनाथ शास्त्री देवी, लगता है आसानी से पटने वाली नहीं है, बहुत कड़की है। नट्टू मैं कहता हूँ लालच छोड़, सिर्फ बच्चा ही क्या बुरा है, कुछ तो मिलेगा। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब आप बोलते क्यों नहीं? मैंने गलत सोचा था गंगा बहन, दौलत के सहारे झूठ सच बन जाता है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी के इल्जाम में राम शास्त्री को 1 साल की सजा हो गई। नहीं, मुन्ने के लिए दूध लेने गई थी। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना क्या हुआ गंगा बहन? मुन्ना नहीं है इधर, और वो आदमी भी नहीं है इधर। कौन आदमी? वो वकील था, कह रहा था कि आपको जानते हैं। मुझे नहीं शास्त्री जी, हमने अच्छी तरह मालूम कर लिया है, ऐसे किसी वकील के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। हमें लगता है उस बदमाश का बच्चे चुराने वाले किसी गैंग के साथ ताल्लुक है। भिखारी, ये कौन सा धंधा है? मैं कोई भीख मांगता हूँ? तुम छोटे बच्चों को लाकर उनके हाथ पैर काट देते हो, अंधा गंगा बना देते हो, उनसे भीख मंगवाकर पैसा कमाते हो, और उस कमाई की रोटी तुम खुद खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। क्या बक रही है? लगता है तू पागल हो गई है। चुप रहो। आज पता चला कि भगवान ने मेरी गोद क्यों सुनी रखी है।
ये सब तुम्हारे पापों का फल है। न जाने कितनी माओ की गोद उजाड़ी है, कितने बच्चों को अपनी माँ से जुदा किया है तुमने। ओहो, तू तो बात का लगता है कोई बीमारी है। चल चल तू अंदर चल चल। अरे तुम ये क्या है? अरे पहचाना नहीं, बच्चा बेचने आया हूँ। अरे कमीनी से लेकर तू जा क्यों है? शोधा को शक हो गया ना, तब आओगे यहाँ से। धक्के क्यों दे रहा है? माल दे और ये बता के इसे कौन से अड्डे पे पहुँचाऊँ। अरे इसे यहाँ रखकर मैं चार डालूंगा क्या? साथ में इसकी माँ को ले आता तब बात बनती ना। अबे तेरे पास कौन सी छोकरियों की कमी है, डाल दे किसी की गोद में और घुमा दे सिग्नल सिग्नल, बस माल ही माल। चल माल निकाल और बता के इसे कहाँ डालूं। भाड़ में जाके डाल दे किसी गटर में, चंगारा दबा कर फेंक दे समुद्र में। शोधा देखो बेचारा नटू किस मुसीबत में फंस गया। मैंने सब सुन लिया है, शैतान हो खूनी हो तुम लोग, दरिंदे हो, ला बच्चा दे मुझे। बोल कमीने, किस माँ की कोख उजाड़ कर लाया है इसे? इसकी माँ तो मर गई भाभी। मर गई? ठीक है, आज ये बच्चा मेरा है। अरे यशोदा जी तुम चुप रहो, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अच्छा तो तुझे बच्चे के दाम चाहिए? ये ले, क्या कर अपने श्राद्ध का बंदोबस्त कर कमीने। इसे हाथ मत लगाना, मुझे दे। अरे भाभी ने बच्चा गोद लिया है, इसकी कीमत तो 300-400 रुपए होगी। चल तू मुझे 200 ही दे दे। 200? और नहीं तो क्या, फोकट में रेडीमेड बच्चे का बाप बनेगा। कॉलर में पुलिस पुलिस। अरे बाप रे, अरे दरवाजा खोलो। क्या बात है हजूर? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर छगनलाल। लेकिन मेरा कसूर क्या है? हम तुम्हारे सारे अड्डे रेड कर चुके हैं, तुम्हारे आदमी हमारी हिरासत में हैं, अब तुम्हारे घर की तलाशी। आप? ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये बच्चा? ये बच्चा मेरा है। हाँ हजूर, ये बच्चा हमारा है। ठीक है, आप रास्ता छोड़ दीजिए। कितने मनहूस कदम इस बच्चे के, ना जाने कौन से कटर से उठाकर लाया इस मनहूस को। नहीं नहीं यशोदा बहन, चाहे तुम कुछ भी कहो, घर तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पति तो गए 6-7 साल के लिए अंदर। छी छी छी, ऐसा धंधा। और नहीं तो क्या, कौन जाने उसमें हमारे माल लेके भी 2-4 बच्चे होंगे। और नहीं तो क्या, घर खाली कर दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और ये छोटा बच्चा, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वो हमें नहीं मालूम। और फिर ये कौन सा तुम्हारा अपना बच्चा है, जाकर डाल दो किसी अनाथ आश्रम में। चुप रहो, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम्हें घर खाली चाहिए ना? ठीक है, मैं इसी वक्त तुम्हारा घर खाली करके देती हूँ।
बेटा गोपाल, तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, बनेगा ना? हाँ माँ। मैं जहाँ से गुजरूंगी तो सब मुझे देखकर कहेंगे, देखो गोपाल की माँ जा रही है। अब लोगों को कहने के लायक मेरे पास और कोई परिचय भी नहीं है। भाई साहब जी, ये रामनाथ जी इधर ही रहते हैं क्या? आपका मतलब राम उस्ताद? हाँ राम उस्ताद, उनसे कहिए कि छगनलाल मिलने आया है। लेकिन वो तो आज नहीं मिल सकते, उस्ताद तो रात से ही बाहर गए हैं, और कब आएंगे ये भी पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुमसे कहिए कि यशोदा। अरे यशोदा तू यहाँ? अरे तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा है और तू यहाँ इस बस्ती में छुपी। तुम्हारी काली करतूतों के लिए लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया, छोटे से बच्चे को लेकर आखिर मैं कहां जाती? तुम्हें क्या मालूम क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी है मुझे। अरे अब छोटी सा बात हो, मैंने एक गांव में जमीन ले ली है, अब वहां चलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां मेरे गोपाल के लिए अच्छा स्कूल तो होगा। गोपाल? कौन गोपाल? ये मनहूस? अरे भूल गई वो वक्त जब इस मनहूस के कदम पड़ते हम पर क्या बीती थी। ये नहीं जाएगा हमारे साथ। फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी, अब तो जीना मरना सब इसी के साथ है। चल गोपाल। अरे बाहर में क्या तेरा गोपाल, ये गंदी नाली का चीजा है, चल मैं कहता हूँ। चल मैं अरे ये मेरा बेटा बेटा कुछ नहीं है, जाजा नहीं कौन सी गंदी नाली का हरामी है सारा। यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई, कहाँ से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है, रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। चल उठ। सेठ, सेठ, चाबी। किस चाबी? सिगरेट दे। अरे माचिस डाला। ओए कहाँ से आ रहा है? अरे साथ तुमसे कुछ पूछ रहा है। अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। मुझसे? मैं तो नाइट ड्यूटी से आ रहा हूँ। अबे लिख लेना। हाँ लिख लेंगे।
राम राम सरकार, राम राम। राम राम भैया जी, ये महापुरुष कौन थे? हम ना ही जाली सरकार। साला उधार माल बेचता और नाम नहीं जानता है? जल्दी बता वरना शनि की महादशा बिगाड़ दूंगा। बोल। बताई थी सरकार, बताई थी। जान पड़ गया कि लूट गई हमारी दुकान। गोपी कुंडा एक नंबर के छटा हुआ बदमाश है, सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है। बाप बेटा तू ना हो। बाप? हाँ सरकार, रामू दादा। कटवा देना रामू दादा की नाक। सिर्फ चोर चोर चिल्ला, हाथ में छुरा नहीं था क्या? भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना आप उनको पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहा? अपन की माँ का सपना था कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले। ए बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहाँ गया। मुझे 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 कैसे मालूम होगा? वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है, मैं कोई नहीं होता तेरा है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा? जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा। एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा पुलिस गोपी को ढूंढ रही है। अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी। तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो? नाइट ड्यूटी से? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भेड़। मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। पानी, 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 पानी। अरे यार तू तो अपने से भी ज्यादा खींच ले ले। अरे ए गुरु, इसको तो बहुत तेज बुखार है। बुखार है? ए भाई कौन हो तुम, किधर जा रहे? बॉम्बे से 300 किलोमीटर दूर। अरे तो तुमको मिर्जागंज उतर जाना था ना भाई। हाँ, एक काम करो,
अगला स्टेशन देवीपुर है। आ? तुम देवीपुर में उतर जाओ। देवीपुर, देवीपुर में एक मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। उस धर्मशाला में एक अस्पताल भी है, वहाँ तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा। तुमको बहुत बुखार है ना, कंबल ले ले, इसको अच्छी तरह से ओढ़ लेना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये आवाज किसने दी? कौन है ये? पता नहीं माँ जी, अंदर आ रहा था, अचानक गिर पड़ा। अरे इसका बदन तो जल रहा है। शिवराम जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ। सुभद्रा जाके जल्दी से कंबल लेके आ। तुम लगाओ, उठाओ इसे, उठाओ। ओ! अरे भाई जवान मर्द हो और एक सुई के चुभने से चीख रहे हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अगर चाहो तो अपने घर जा सकते हो। माँ जी चिंता की कोई बात नहीं, जख्म की वजह से बुखार हो गया था। सुबह बेटी अगर तुम चाहो तो आज से इसे खाना भी दे सकती हो। जी कितने दिन हो गए, न जाने इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। डॉक्टर साहब जब ये बेहोश होकर गिरा था ये कागजात उसके पास थे। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तो तड़ी पार कैदी है माँ जी। क्या? इसे तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट करना है। सुबह हाँ वो इसे खाना दे देना और कह देना मंदिर से चला जाए। अरे बहन जी खाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिव काका तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी, बीमारी से उठा है बेचारा, कम से कम खाना तो खा लेता। खाना देना। ए सुभद्रा माई। अरे बाबा तुम खाना देना खाना। इतने दिन कहाँ थे? और कहाँ, अपने खजाने की तलाश में आ गए। कौन? वही माँ जी के पति। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, खाना खाओ और चुपचाप चले जाओ। Thank you.
मेरी मानो तो सुनो ना, का कहे दुनिया, हम खुश हो तो खुश ना रहे कीजिएगा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। हमरा नाम राधा है, राधा। जरा मेहरबानी करके पुलिस चौकी का रास्ता बताएंगी? फालतू बात करने का टाइम नहीं है हमरे पास, यहाँ से सीधा चलते जाओ, मिल जाएगी पुलिस चौकी। एक घंटे से साला घूम रहा हूँ पुलिस चौकी का। ए, सुनो। क्या है? पुलिस चौकी कोई फरियाद लेकर जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी भी बहुत दूर है, नजदीक कहीं कुआं मिल जाएगा? ढूंढो, मिल जाएगा, जा। शुक्रिया। ए, ए सुनो, यहाँ यहाँ ज्यादा प्यास लगी है का? जी। दूध पिएगा? दूध? जी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो का हुआ, पीले पीले, तुझे प्यास लगी है ना, ये भी पानी ही है, ले। यहाँ अजनबी लगते हो, कहाँ ठहरे हो? जी, गांव में कोई जगह ढूंढ लूंगा। अरे गांव में तुझे कौन जगह देगा, सबके घर में जवान बहू बेटियां हैं। तू एक काम कर, मंदिर के धर्मशाले चले जाना, वहां की माँ जी बड़ी दयालु है। जी अच्छा। अबे नारायण, मुझे क्या विदु ग्वाले की बहन समझ रखा है। आहिस्ता, अरे पहलवान जी। पहलवान जी, किसको पुकार रहा है? आप ही को कह रहा हूँ पहलवान जी, मुझे थानेदार साहब से मिलना है। क्या? वो तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अबे मैं ही यहाँ का थानेदार हूँ। अरे बाप रे। शमशेर सिंह। राम राम जी। ठीक है ये लीजिए। कई बार हुंडा, अबे अबे तुझे इस इलाके के सिवा दूसरा इलाका नहीं मिला जो मेरे गांव में घुसा है। चल अंदर चल। नाम क्या है? गोपी। गोपी। बाप का नाम? थो। अबे थूकता है, पुलिस थाना है ये, कोई पिकदार नहीं है। आपने बाप का नाम पूछा इसलिए थूक दिया। मालूम होता है बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया होगा। अरे घर होता तब ना निकालता साला। ए, ए खड़ा रहे चल। बात यह है थानेदार साहब, अपन तो सिर्फ माँ को जानता था। 7 साल का उम्र में साला बाप जब जेल से निकला। कहाँ से निकला? जेल से। जेल से आदमी खानदानी लगता है क्या? फैमिली बैकग्राउंड है क्या? कहा आपने? मैं कह रहा था कि बड़े ऊंचे खानदान के हो। वो तो है। चलो इधर सही करो, चलो। और रोजाना आदमी तेने यहाँ आना, समझे? ठहरोगे कहाँ? यही एक सवाल है थानेदार साहब, आपकी जवान बीवी है। क्यों? जवान लड़की। मगर क्यों? अगर आपके यहाँ ये सब लफड़ा ना हो तो अपन अभी के यहाँ रह लेगा। ये पुलिस थाना है, यहाँ चोर गुंडों को नहीं रखा जाता। क्या बात है बाप, इसका मतलब इस गांव में चोर गुंडे खुले घूमते हैं? अबे ये मेरा इलाका है, यहाँ न चोर न गुंडे, न जुर्म न जुल्म, समझे? ये कैसा जुल्म है सरकार? देखिए मुझ पर सेठ जी के आदमी क्या जुल्म कर रहे हैं। सरकार दुहाई है, सेठ जी के आदमी मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, वो जबरदस्ती मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार, मेरा घर और जमीन चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, चूल्हे में जाओ, कहीं भी जाओ, मगर मेरा सर मत खाओ, फूटो। क्या बात है बहन जी? 1 साल हुआ मेरे पति चल बसे, उनकी बीमारी के वक्त 500 रुपए सेठ जी ने कागजात पर सही लेकर मुझे उधार दिए थे। आज सेठ जी का मुनीम कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए लेकर अपनी जमीन और अपना घर उन्हें बेच दिया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ ये बिल्कुल झूठ है।
बच्चा छोटा है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? आप कहीं नहीं जाएंगी माँ जी, चलिए मेरे साथ। अरे 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 ठहर, अबे अबे मेरी वर्दी कहाँ है मंगल सिंह? जाने तो साहब, डंडा खा के ठंडा हो जाएगा। यू शट अप वर्दी, भगवान के लिए रुक जाओ, सारा कचरा फेंक दो। ये तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता, कब्जा कर रहा हूँ कानून से। चल दो पिल्ले। बहादुर कौन है ये जवान जो दयाल सेठ के आदमियों को पीट रहा है? कहाँ जा रहा है? हमें चल छूट जाते हैं। भागता किधर है? चल सामान उठा। मेरे पड़े सब लोग क्लियर, चलो पकड़ो 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 पकड़ो। इसे पकड़ने आए हो थानेदार साहब? सब तो धूम दबा कर भाग गए। अबे मैं तुझे पकड़ने आया हूँ, यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी बनाओ। हजूर मैं हथकड़ी लाया नहीं। अबे नालायक तू क्या यहाँ घूमने आया? अरे बिगड़ तो क्यों है थानेदार साहब, मैं तो खुद ही रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। दो दिन के लिए सरकारी मेहमान बना लो, दो वक्त की दाल रोटी मिल जाएगी। दाल रोटी क्यों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का इंतजाम करूंगा, ले जाओ इसे, और जब तक मैं नहीं आऊं इसे छोड़ना मत। ये अन्याय है सरकार। और जमुना भाई तुम भी सुन लो, अगर सेठ ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। ओहो थानेदार, थानेदार एक चालान के सिवा कोई और भी चाल चलनी आती तुम्हें? अबे एक अकेला लौंडा और हमारे चार चार नटबाज, लगता है कोई बहादुर होगा। किरदारी तुम किसी तरीके से भी उसे समझा बुझा कर मेरे पास ले आओ। मगर हुजूर उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ बुलाकर हम उसकी धुलाई करेंगे। अबे उल्लू के पट्टे जी, तेरा दिमाग तो थानेदार से भी ज्यादा सड़ गया। अबे सुना नहीं तूने, उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जा जाकर उसे कहो कि हम ना सिर्फ उसे रहने की जगह देंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। हाँ। मगर हुजूर मेरी क्या खाना देना? खाना ये कोई होटल है, चल बुढ़िया से। चुपे, जान क्यों निकालता है? तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर की देवी जी ने मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के पास 3-4 दरखास्तें भेजी हैं। अब अगर उसने जमुना को अपने हाथ का मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ शिकायत की ना, तो मैं तो 12 के भाव जाऊंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे बेटे। हाँ? मर गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर देवी जी के खिलाफ जोरदार डायरी लिख देता हूँ। हाँ माँ जी, हम सच कह रहे हैं, थानेदार शमशेर सिंह खुद बोले जमुना भाभी का चालान कर देंगे, और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दयाल से जमुना भाभी का घर जला देंगे। शिवराम आया माँ जी। हमारे भजन सिंह और तिवारी आज से जमुना के घर की रखवाली करेंगे। एक बात और उनसे कह देना कि दयाल दास का कोई भी आदमी अगर जमुना के घर के सामने आने की कोशिश भी करे तो उन्हें सबक सिखा दे, ताकि आइंदा वो किसी भी गरीब और बेसहारा पर जुल्म करने की हिम्मत न करे। माँ जी, उसकी जान भी तो खतरे में है। वो परदेसी? नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकता, थानेदार साहब का हुक्म नहीं है। अबे मंगला, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा, थानेदार से कह देना जमानत के कागजात लेकर मंदिर आ जाएं, माँ जी जमानत दे देंगी, समझा? चल उठ, जा शिव काका के साथ। हाँ बुलाया है, वो सिर्फ इसलिए कि अनजाने में एक नेक काम करते हुए तुमने एक ऐसे आदमी के खिलाफ सर उठाया है जो जब चाहे तुम्हारा सर कुचल कर रख सकता है। अरे ऐसा कोई माइकल लाल साला पैदा ही नहीं हुआ जो, जो जाओ और सुनो, जब तक इस धर्मशाला में हो अगर किसी से झगड़ा या मारपीट की तो यहां से निकाल दिए जाओगे। ये मत भूलना, किसी गुनेगार और पापी के लिए
मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। क्या बात है विदु काका? कुछ नहीं किया, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा भगवान जी के दर्शन करते चलें। नहीं, वो सोचा दूध के पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राधा ने तुम्हारे हाथ पैसे देने मना किया है। काहे? कहती है पैसे मिलते तुम शराब के अड्डे पहुंच जाते हो। छी छी छी, राम राम राम। अब तुम्हारी बताओ बिटिया, कि वो हमारी लड़की है कि हमारा दुश्मन है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं पैसे ले आती हूँ। अरे ये भैया, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, क्या दिन में तारे गिन रहे हो? आप राधा के बाप? राधा? अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही, दूध तो बच्चे पिया था। तो मरा था मरा, तुमको तो वो पिलाएंगे, बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ, पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ आओ चलाओ। क्या क्या हुआ? देखो पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना, रास्ते में नरियल वाला बाग है ना, वहां इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विदु काका, अरे विदु काका चले गए? जी जी हाँ। तुमसे क्या कह रहे थे? वो जी कह रहे थे कि उनके पास पैसे हैं। ना जाने आज राधा की शादी किससे तय होगी, एक नंबर का शराबी। ये बात पक्की है कि हम शराबी हैं, है कि नहीं? वो तो है। आज शराब की कसम खाकर तुम्हें वचन देना होगा। वचन? बात की है, तुम अंदर आओ। आ जाओ। हाँ जी आ रहा हूँ। आओ भैया, आओ मेरे लाल। हाँ। आओ यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अब ये बताओ बेटा कि राधा तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी राधा पसंद। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद, बस तुम हमें पसंद हो, और हमने फैसला कर लिया कि राधा का ब्याह तुम्हारे संग करेंगे। धंधा लग गया का? नहीं, लगता है मुझे नशा हो गया, मैं चलता। पहले ही बताओ बेटा, राधा से ब्याह कराओगे ना? जी देखिए, मैं एक गुंडा बदमाश हूँ। हमारी राधा के लिए हमें तुम जैसे लड़के की तलाश थी। देखो राधा हमारी इकलौती बच्ची है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे। देखिए जरा मुझे सोचने तो दीजिए। अरे सोचने को मारो गोली, बात हो गई पक्की। देखिए ऐसा मत कीजिए, आज रात मुझे सोचने तो दीजिए। ठीक है, रात भर सोच ले, सुबह होते हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आके नहीं पड़ेगी। आप मैं चलता हूँ। शराब मर गया। देखा गिर गया ना? ए भाई बत्ती कौन दिखा रहे ले? ए भाई बत्ती जरा ठीक से दिखा भाई। क्या लफड़ा हो रहा है भाई? वहां कोई है? हाँ।
भारी लफड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। खबरदार उठो, इधर आओ, इधर चलो, फेंक दो अपने हथियार। और ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? बोलो किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। रात को विधु काका के साथ शराब के अड्डे पर गए थे जी? नहीं तो? झूठ मत बोलो, नारियल बाग में पड़े हुए थे तुम, भजन सिंह और तिवारी ने तुम्हें यहाँ लाकर सुलाया। जिस दिन बुआ जी को पता चल गया ना, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। ओहो, गुस्सा तो बहुत है, रात भर शराब के नशे में माँ माँ कहते रहे, न जाने तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान होंगे। अरे बाप रे, तो दूध लाया हूँ, लो दूध ले। अरे कहाँ भागा था, छुप कर भैया, हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? वो बात यह है कि। अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया, इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुम रेशम करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन, गुंडे बदमाशी हो ना? ठीक ठीक ठीक, रात को मैं यही बात कहने जा रहा। रात की बात कही भाड़ में चूल्हे में? देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना, समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पी कर गधे बन जाते हैं और मैं पी कर गधे को आदमी समझ लेता हूँ, समझे? हाँ। हाँ। आए। अरे क्या करती है, मर गए पितर बेटी। ए, सुन। ओ। नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते यहाँ, तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल, ये बता कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा, हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है, रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है, और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमारा बापू तुझसे सबरे मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया, मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों, शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं, अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का, साले गाजीपुर के जोधदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखत है कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का, अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जब तू भी घुस पड़ा। एब्सोल्युटली राइट अर्जुन, इस फाइल में जो कुछ तुमने पढ़ा सब सच है, और ये बीमारी आज सिर्फ देवीपुर या इस शहर तक ही महदूद नहीं, एपिडेमिक की तरह सारे देश में फैल गई है, और अगर जल्द ही इसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये ड्रग्स हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देंगी और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगे।
इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। सर मैं वचन देता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा, और जब भी आपका हुक्म है सर मैं देवीपुर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिर्जागंज में एसपी साहब रहेंगे और वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये फाइल भी अब तुम अपने पास रखो, इसमें देवीपुर उसके आसपास के गांव में रहने वालों के बारे में मालूमात है, और ये हैं जयशंकर के वो फोटोग्राफ्स जिस भेस में वो वहां तहकीकात कर रहा था। एसपी साहब, जयशंकर आखिरी इंफॉर्मेशन ये भेजी थी कि उसे बहुत जल्दी उस खास अड्डे का पता लग जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ सारी गैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। सलाम साहब। कौन हो तुम? मकबूल टांगे वाला। कहाँ जाना है साहब? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? हाँ, वो थानेदार शमशेर सिंह है ना, वो मेरे रिश्तेदार है। चलिए चलिए आपको पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ भाईजान, मेरे अलावा और भी तो अनजान अजनबी आदमी यहाँ आते होंगे ना? अरे साहब, देवीपुर कौन सा आगरा या दिल्ली है, यहाँ लोग क्या देखने आएंगे? क्यों भैया, सुना है देवीपुर का पुराना मंदिर जो है बहुत बड़ा है। जब जमींदार थे तो बड़े जश्न लगे रहते थे, अब तो सुनने में आया है कि जल्द ही सरकार मंदिर संस्था से सारी जिम्मेदारी ले लेगी। अच्छा, जमींदार चले गए मगर उनके हवेली तो होगी, कौन रहता वहाँ? अब हवेली कहाँ रही साहब, वो तो भूतिया खंडर बन गई है। बस नाम के वास्ते एक चौकीदार है, वो भी लंगड़ा है। गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रहता है बेचारा अपनी बीवी के साथ। कब आएगी तो तांगा रोकना। देख चलो, मुझे कॉलेज जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे रानी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही है, आजा आज मैं तुझे पहुंचा देता हूँ कॉलेज। टांगा छोड़ दो। ओ यू बास्टर्ड्स, क्या हो रहा है? अरे शाका, कौन है भाई ये बाहर वाला कुत्ता, बड़ी जोर से भौंक रहा है, या तो इसे जरा बता दे जा। क्यों बे बिलायती कुत्ते, साले हमारे आदमी पर लात उठाता है, हा? तेरी तो मैं छोड़ साले। कुंग फू कराटे की औलाद, कुंग फू। माय गॉड, आप कॉलेज जा रही थी ना? जी, अब तो मिर्जागंज की ट्रेन छूट गई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। इसके बाद ये लोग मुझे और सताएंगे और मेरे कारण आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, और आप खुद भी बेफिक्र रहिए, आज के बाद ये लोग आपको कभी नहीं सताएंगे। नमस्ते। क्या मेरे इलाके में दूसरा गुंडा? अभी जाकर चालान करता हूँ उसका। नहीं, तुम उसको बांध कर हमारे पास भेजोगे। ठीक है ठीक है। हजूर, वो आ रहा है टांगा। भागो भागो भागो। अरे अरे रोक रोक, अरे रोक, अबे रोक ना रे। अरे क्यों चिल्ला रहे हो थानेदार साहब, हम यही आ रहे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार? गांव में घुसते ही मारपीट और मेरे रिश्तेदार, कमाल है। अबे घूरता क्या चालीदार? अरे उधर कहाँ जा रहा है चालीदार? किराया तो दे लूं भाई। जल्दी दे क्या, चल बे। नाम क्या है बे? अर्जुन, अर्जुन शर्मा। अबे अर्जुन हो गया भीम, काम क्या है? अच्छा सिफारिश। हाँ चल बे सिफारिश। सिंह साहब चप।
सिंह साहब। अरे मर गए, मर गए। सलाम साहब, अबे सलाम कर साहब, क्या मेरा ट्रांसफर हो गया है? जी नहीं, फिलहाल हाई कमांड का ये फैसला है कि आप मेरी मदद के लिए यहीं रहेंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पोस्टेड हैं। चलिए देखते रहने का क्या बंदोबस्त है यहाँ। नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ सर। हाँ मैं। सिंह साहब। जी सर। एक छोटी सी गुजारिश है। हुकुम कीजिए सर। लोग ना आपसे डरते हैं ना मुझसे डरते हैं। जी सर। लोग अगर डरते हैं तो हमारी वर्दी से। ठीक है सर। और अगर हम उसे भी आधा कर दें तो लोगों का डर आधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आइए जनाब। अरे बहन जी, ये सवेरे लफड़ा क्या हुआ था? ये जग्गू रहता कहाँ है? क्यों? अरे राधा कह रही थी वो आपसे शादी करने का सपना देखता है, जरा तबीयत पानी पूछ लेता। जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। काम हो तब ना करूं। आप कहती हैं अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छा बनने के लिए कोई अच्छा काम तो होना चाहिए। वाह वाह वाह, ये अच्छा काम है? ये क्यों नहीं समझते, ये तुम्हारा शहर नहीं गाँव है। ऐसी हरकतों से गाँव में मेरी बदनामी हो सकती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आपकी तरह पढ़ा लिखा जो नहीं हूँ। देखो जग्गू अच्छा लड़का नहीं है, कभी मिल जाए लड़ाई झगड़ो तो क्या उसे बात तक नहीं करना। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपनी बहन की कसम है। ठीक है बहन जी, कोई अपनी बहन की कसम तोड़ता है क्या? ये बहन जी, ये माजी गुस्से में क्यों रहती है? सुना है दयाल सिर भी माजी से डरता है। क्यों नहीं डरेगा, नेक रास्ते पर चलने वालों से बुरे लोग हमेशा डरते हैं, और दयाल सेठ तो शैतान है शैतान। इसीलिए मुनीम साले का तो ये एल, फिर साला निकल गया, भगा दिया। अपने को बंगले पे नौकरी देने आया था। सा, सा, सा। आइए सिंह साहब। अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी डायरी देखकर ऐसा लगता है कि इस पुलिस चौकी में सिर्फ एक ही आदमी फरियाद लेकर आता है, और उसका नाम है सेठ दयाल दास, जिन्होंने कई बार यहाँ के कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, यहाँ तक कि कुछ औरतों के खिलाफ भी। जी सर, बात यह कि जमाना ही कुछ ऐसा है। देखिए ना, गरीबों का दिमाग आजकल नेताओं ने आसमान पर चढ़ा कर रख दिए है, लेकिन हमारे दयाल सेठ बड़े ही दयालु है, बड़े ही नेक। चलिए जी, आपके दयाल सेठ से चलकर मिल लेते हैं एक बार। हुजूर जी, न्याय इंस्पेक्टर। हुजूर, हाँ। हुजूर, हुजूर, पुराने के साथ नए थानेदार साहब आए हैं। ओहो, आपके दयाल सेठ का बंगला तो बहुत ही शानदार है सिंह साहब। नहीं जी बाबा, अंदर आइए। आइए आइए हुजूर, क्या सौभाग्य है मेरे, आप और मेरे इस गरीब खाने में। ऐसे और कितने गरीब खाने बन रहे हैं इस गांव में रामदयाल जी। माफ कीजिएगा हजूर, मेरा नाम दयाल दास है जी। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंह साहब अक्सर कहते रहते हैं कि सेठ दयाल दास बड़े ही दयालु हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त कुछ खास तहकीकात करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसमें यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाते वक्त फरियादी को इसमें दस्तखत करने की जरूरत पड़ती है। आप और सिंह साहब शायद दोनों ही भूल गए। सिंह साहब, हजूर कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं? जी वो आपके आदमी अदालत की डिग्री लेकर जमुनाबाई का घर दखल करने गए थे ना। लेकिन सिंह साहब, जमुनाबाई का तो सारा कर्ज मैंने उसी दिन माफ कर दिया था, क्यों गिरदारी? जी हुजूर, और ये बातें बताने हम मंदिर की देवी जी के पास भी गए थे, और सिंह साहब भी तो मेरे साथ थे। लगा मैं तुम्हारे साथ था? तो मैं, खैर जाने दीजिए सेठ जी। इस शिकायत में मंदिर की देवी जी के खिलाफ कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं कि उन्होंने बाहर के गुंडों के जरिए आपके आदमी को मारा पीटा और जख्मी किया। ये तो कोई नया गुंडा है, उन्होंने तो पहले से ही 4-5 गुंडे पाल रखे हैं हुजूर। ये क्या हो रहा है? खैर ये दयाल साहब, ये क्या हो रहा है? साहब ये घरेलू मामला है, ये मेरी धर्मपत्नी है। बेचारी पागल है। इनकी ये हालत कब से हुई? हजूर जब मेरा बच्चा 6-7 साल का था तो इस दुनिया से चल बसा, तब से इसकी ये हालत हो गई है। हजूर अगर आपकी तहकीकात खत्म हो गई है तो क्या मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ?
हाँ जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा सेठ जी, कि आइंदा अगर अदालत से कोई डिग्री मिले आपको तो अपने आदमियों को लेकर किसी घर या जमीन दखल लेने मत जाइएगा। हुक्मनामा लेकर आप सीधे हमारे पास आइए, दखल लेकर देने का काम हम पुलिस वालों का है, आपका नहीं, समझ गए आप? चलिए संगीत, चलिए चलिए, बड़े डेंजर लोग हैं। देवीपुर का मंदिर, मंदिर ट्रस्ट के आखिरी सचिव शिवनाथ शास्त्री मरते समय मंदिर की सारी जिम्मेदारी गंगा देवी को सौंप गए। 24-25 साल पहले शास्त्री जी इन्हें देवीपुर लेकर आए। मांग में सिंदूर है, मगर इनके पति को इस गांव में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। पिछले जिंदगी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लगता है शास्त्री जी की बेटी सुभद्रा को कुछ मालूम है। लेकिन राधा का, तू ठीक जानती है कि नए बड़े साहब कल सवेरे इस गांव में आए हैं? लो तो हम क्या बोले हैं इतनी देर से, कल जब हम पुलिस चौकी दूध देने गए तभी ना मिले उनसे। हमसे पूछा तुम कौन हो, हमने कहा हम राधा हैं, यहाँ दूध देने आते हैं। तभी उन्होंने उस कमबख्त शमशेर सिंह से पूछा कितना दूध लेते हो, हमने कहा उससे का पूछा था, हमसे पूछो हमसे। कभी दो शेर का घाटा, कभी पांच शेर का घाटा। ये सुनते ही वो हैरान हो गए। पूछा घाटा, हमने सब साफ साफ कह दिया कि शमशेर सिंह कहता है अगर पुलिस चौकी से दूध देकर पैसे लिए तो वो गैर कानूनी होंगे। ये सुनते ही उन्होंने शमशेर सिंह को घूर के ऐसा देखा, ऐसा देखा कि वो तो चूहा ही बन गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुमने दूध देकर पैसे न लिए तो वो गैर कानूनी होंगे और लोग उसे रिश्वत कहेंगे, रिश्वत। हाँ बुआ, मुझे तो लगता है ये वही आदमी है। तो तुम हो इस गांव में नए मेहमान? क्यों, मैं हूं तड़ीपार। बंबई से दूर जंगल या जहन्नुम कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन तुम जैसे वफादार थानेदार को जंगल में क्यों फेंक दिया? लेते वक्त पकड़े गए थे क्या? इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा खूंखार जानवर पहले से मौजूद हैं, उन्हीं की तलाश में आया हूं, और फिर तुम भी यहां मिल गए। राम राम बड़ा साहब। अच्छा तो आप भी यही मौजूद हैं? मंदिर का दूध भी तो हम ही लाते हैं ना। यहाँ कोई घाटा वाटा तो नहीं है ना? राम कसम, झूठ बोले तो जबान सड़ जाए हमने, यहाँ बिल्कुल टेम टेम पर पैसा मिलता है। ए, छोकरी देखा तो चिपक गया। शट अप। अरे तू शट अप। क्या बोला रे साला हरामी? ए, तेरा पुलिस चौकी नहीं है, देख हाथ में वाला। ये क्या बदतमीजी है? तो आप ही इस मंदिर के देवी जी हैं? मंदिर की देवी तो राधिका जी हैं, मैं तो सेविका हूँ। चंद सवालों का जवाब चाहिए मुझे। आइए। क्यों रे, एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों गए थे? हाँ चल चल अपना रास्ता देख। रास्ता नहीं तो क्या तेरा मुंह देखेंगे, सारा टाइम खराब कर दिया हमरा। लगता है गोपी को आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, बंबई से उसे मैंने ही बाहर निकाला था, लेकिन गांव अगर पता चला कि ऐसे लोगों को बुलाकर यहां रखा जाता है। ये मंदिर है भगवान का घर, यहां उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। खैर आपने मेरी लड़की की इज्जत बचाई, आपको। सुभद्रा जी आपकी लड़की? ऐसा ही समझ लीजिए, बचपन में इसकी मां चल बसी थी, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सच पूछिए तो अब इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों, आपके पति? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? चौबीस पच्चीस साल में ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पति हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती, शायद मेरा एक बेटा भी है।
शायद इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं किसी और दिन सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपके एक गलत सवाल ने बुआ जी के दिल में दबे हुए कितने बड़े दर्द को फिर से जगा दिया, ये आप नहीं जानते। आइंदा अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए बात यह है कि मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देकर इस गांव में भेजा गया है। मुझे एक खास आदमी की तलाश है जिसे आप भी जानती हैं। जी मैं? जी हाँ आप। किस आदमी को पहचानती हैं? ये तो पगला बाबा है। जी हाँ, क्या आप बता सकती हैं कि आपके इनसे पिछली बार कब मुलाकात हुई थी? जी कभी। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नमस्ते। ते वो फोटो मैं देख सकता हूँ? शट अप, ये पुलिस का राज है। हर हैरे गैरे गुंडे बदमाश को नहीं दिखाया जा सकता। अरे जा अपने राज को लेकर अचार डाल, साला खड़ू कहेगा। अरे गाली क्यों देते हो, वो तो पगला बाबा की तस्वीर है। इसीलिए तो देखना चाहता था। उस रात नारियल बाग में जो कुछ भी देखा था कहीं उसमें वही आदमी तो नहीं था। क्या तो तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं, मरे साला ढूंढता फिरे जंगल जंगल। अबे सुन, अबे साला, क्यों बे सुनाई नहीं देता, बहरा है क्या? कहां से आया हमारे गांव में? कौन है तू? दादा ने उस दिन बताया था ना, तेरा बाप। क्या कहा साले? जुबा करके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरी लाश के। फिर तो अपन तेरा बाप नहीं है, तू किसी कसाई की औलाद है। जाओ भाई अपने रास्ते पे जाओ। मार साले को, मार, मार। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपने बहन की कसम। देख भाई हाथ जोड़ता हूँ, अपना रास्ता नाप ले। क्यों साले, राधा से दिल भर गया तो अब सुभद्रा से टाका भिड़ा रहा है? जिस बहन की कसम ने मुझे अब तक खामोश रखा था उसी बहन की कसम, तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। Thank you.
से लड़के आ रहे हो? तुम जैसे पापी को ऐसे सजा से कुछ नहीं होने वाला। जेल जाकर चक्की पिसोगे, तब जाके सुधरोगे। माँ जी, जेल की सजा काट कर जो आदमी बाहर आता है, क्या वो सुधर जाता है? बहन जी, मैंने कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी कसम का भी मोल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी कसम का ही तो मोल चुका है मैंने। दुनिया में कौन सा ऐसा दरिंदा भाई है जो अपनी बहन के बारे में ऐसी गिरी हुई बात बर्दाश्त कर ले? गोपी भैया, अरे चाची, इतने दिनों बाद। मैं तो हमेशा आना चाहती हूँ, मगर वो लोग नहीं आने देते। कौन हो तुम? जी मैं कोई नहीं। चाची तुम अंदर चलो। बुआ? हाँ चाची आई है। आओ आओ यशोदा, कैसे हो? ये मैं कहकर क्या कहने वाले थे कि तुम एक तड़ी पार कैदी हो, और ये सुनकर चाची तुम्हें गले लगा लेती। देखो, वो दयाल सेठ की बीवी होते हुए भी बहुत नेक औरत है, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं। सिर्फ तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि मेरा गोपाल मिल जाएगा। कल मैंने सपना देखा कि मेरा गोपाल मुझे मिल गया है। क्यों नहीं यशोदा, तुम्हारा गोपाल एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इसीलिए आज मैं अपने गोपाल के कल्याण के लिए पूजा करने आई हूँ। वो जहाँ भी हो सुखी हो। आओ ना आओ। क्या देख रहे हो भैया? दयाल सेठ की बीवी। मैं जाऊंगा शिव काका। कहाँ जाओगे? वो उसने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। मैं जा रहा हूँ शिव काका, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ तड़ी पार, क्या बात है, आज बड़ा फुदक फुदक के चल रहा है। अरे आज की बात कुछ और ही है। आज मैं इतना खुश हूँ कि पूछ मत। आज अगर तेरे बाप ने कह दिया ना कि मेरी बेटी से शादी कर ले, तो मैं फटाक से कर लूंगा। क्या बोला? घर जाकर आईने में मुंह देख कमीना, चल रही जमुरी। अरे सुन तो। गाँव की छोरी कसम तेरी, दुल्हन तुझे बनाऊंगा। न मानी तो उठा के मैं ले जाऊंगा। अरे झाझरी मोहाली जा, हट छोड़ मेरा रास्ता। अरे झाझरी मोहाली जा, हट छोड़ मेरा रास्ता। गाँव की छोरी
रास्ते पर गांव की लड़कियों को छेड़ता है। बुरा मत मानना भैया, यशोदा बाई पागल है। पागल? हाँ भैया, वो सचमुच पागल है। हाँ गोपी, चाची सचमुच पागल। किसी ने फिर से पागल कहा तो जबान खींच लूंगा, समझी? यहाँ पुलिस चौकी में बैठकर अय्याशी कर रहा है और हमारे गांव में बाहर से गुंडे बदमाश घुसकर मारपीट कर रहे हैं। मंदिर जा और उस तड़ीपार को पकड़ के ले आ। क्यों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे उठता है कि नहीं, चलो जा जल्दी उसे जाकर पकड़ के ला। अबे दांत क्या दिखाता है, चल जा जल्दी। अच्छा तो तुम यहाँ थानेदार बनकर आए हो? हा? देख ये हमारा गांव है, अगर इस गांव में रहना है। दो टके का साला, टूट पूंजिया। सर, सर ये सब गाजीपुर के बदमाश लड़के हैं, सबके सब ड्रग एडिक्ट हैं और सबके सब खुला घूम रहे हैं। यस सर। चुप। हेलो हेलो, एसपी स्पीकिंग शर्मा। यस सर। कहो क्या रहा है? यहाँ की हालत देख के तो घबरा गया हूँ सर। अच्छा, गाजीपुर के कुछ बदमाश ड्रग एडिक्ट लड़कों ने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है सर। शर्मा, जयशंकर की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर में गैर कानूनी शराब का एक अड्डा भी है। जी हाँ शर्मा, अगर कोई स्टेप लेना चाहो जब तक पुलिस फोर्स न पहुंचे, तुम मंदिर की देवी जी के आदमियों की मदद ले सकते हो।
सर क्या वो लोग हमारे आदमी है? पुलिस के आदमी तो नहीं है? जब देवी जी को ये डर पैदा हुआ कि मंदिर के खजाने पे किसी की नजर है तो उन्होंने हमसे मदद मांगी। मंदिर के सारे चौकीदार मेरे ही दिए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, किसी नए सवाल के चक्कर में फंस गए क्या? अनजाने में गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे। गलती इंसान से ही होती है इंस्पेक्टर साहब, मगर गुस्सा इंसान को हमेशा गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। जब गोपी भैया ने पगला बाबा की तस्वीर देखनी चाहिए तो आपने गुस्से में उन्हें क्या क्या कह दिया, मगर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने नारियल बाग में कुछ देखा है। क्या, कहाँ है गोपी? कहाँ है? वो मंदिर छोड़कर चले गए हैं। कहाँ? सेठ दयाल दास के घर। सेठ दयाल दास के घर? मिल गई माँ, लेकिन मैं तेरे पास आकर क्या कहूंगा कि मैं चोर बन गया हूँ, गुंडा बन गया हूँ। अच्छे काम के लिए मदद तो क्या, वो तुम्हारे कहने पर जान भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अच्छा चलता हूँ मैं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आज आपके मुंह से बहुत मीठी बोली निकल रही है, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए ताकि दो चार दिन तक मिठास रह जाए। जी घबराइए नहीं, ये रिश्वत नहीं, भगवान का प्रसाद है। पुलिस भागो, अली रामू भैया भागो। मारो उस सालों को, पकड़ो। सिंह साहब, आप पांडे को लेकर जंगू कह जाइए। आइए हुजूर, आइए मेरे माई बाप, कहिए क्या खातिर करूं। इस अड्डे के मालिक तुम हो? बस यही समझ लीजिए। लाइसेंस है घर पर? शराब के अड्डे का लाइसेंस घर पे नहीं, दुकान में होनी चाहिए। जी। भजन सिंह तिवारी, दुकान की सारी बोतलें तोड़ दो और शराब बहा दो। ये सुन, मैं बाहर से गुंडे ला। शराब साला हराम साधा। मंगल सिंह। यस सर। डाल दो साले को हथकड़ी। हुजूर, ये सुन मुझ पर क्यों? चल थाने में चलकर तुझे बताता हूँ। बंद करो साले को यहीं पर। चल बे, चल, चल। क्यों बे जग्गू महाराज, गांव का मुखिया बनने का शौक है और पुलिस के डर से अपना ही गांव छोड़कर भागते फिरते हो? कौन कहता है, कौन साला कहता है? चपड़ गंजू, तमीज से बात कर साले, ज्यादा बड़बड़ की ना तो सारे के सारे दांत तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा साले, समझो। चर्सी। चर्सी कौन? चर्सी तू, तेरे सारे चमचे। झूठ, हम कोई नशा नहीं करते। ये तो बहुत सस्ती सिगरेट है। हाँ। कहाँ मिलती है बे? दुकान से। कौन से दुकान से? गांव के किसी भी दुकान से। किसी भी दुकान? नहीं नहीं। क्या नहीं, गांव में तो मिली जाती है ना, कौन देता है नाम बता। मुझे नहीं मालूम। नहीं बताएगा? शराफत से नाम बता दे। नहीं नहीं, नहीं जाने दा। जल्दी से नाम बता दे वरना मिर्जागंज चालान कर दूंगा और जिंदगी भर तू जेल में चक्की पीसता रहेगा। नाम बता। मुझे नहीं मालूम, मेरा सिगरेट दे दे। सिंह साहब। यस सर। बंद कीजिए साले को अंदर। मेरा सिगरेट दे दे, मेरा सिगरेट दे दे थानेदार। मेरा सिगरेट दे दे थानेदार। गोपी, ओ गोपी, क्या है? मैंने सुना तुम दयाल दास के आ गए हो, रात यहीं सो गए क्या? क्यों, ये जगह भी तेरी है क्या आकड़ू? अब बता आकड़ू कौन है, तू या मैं? देख थानेदार, मुझे तड़ी पार करवाना था, तुम्हें करवा दिया, अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब तो मुझे शांति से जीने दे। ए गोपी, खामखा नाराज हो रहा है, तुम फोटो देखना चाहते थे ना, मैं दिखाता हूं, ये देखो। पहचानते हो? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो गोपी, तुमने खुद सुभद्रा जी से कहा है
उस रात नारियल बाग में तुमने कुछ देखा है? हाँ देखा। क्या देखा? नहीं बताऊंगा, ये मेरे राज की बात है। तुझ जैसे अकड़ू ऑफिसर को मैं कभी नहीं बताऊंगा। गोपी, यही है नारियल बाग। साहब, ये तो पगला बाबा का डब्बा है। डब्बा उठा लो। जी साहब। गोपी की ताबीज। नन्हा सा तन, नन्ही सी जान, तुझ में मेरे दोनों जहां। मैं तो तेरी माँ, यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी ने नौकरी देने बुलाया था। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है, चला जाए यहाँ से। आपको अपने बेटे की तलाश है। तुझे कैसे मालूम? आप मंदिर की माजी से कह रही थी ना, आपके बेटे का नाम गोपाल है। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, आ। गोपाल को कैसे जानता है? मैं एक गोपाल से मिला था, वो कह रहा था उसकी माँ बचपन में उससे बिछड़ गई। कहाँ मिला था वो तुझे? बम्बई में। इधर आ, इधर आ। तो मुझे उसके पास ले चलेगा? अब तो मेरा गोपाल पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हुजूर, ये तो वही तड़ी पार है। अच्छा अच्छा, ये वही है जिसने तुम लोगों को पीटा था। सुन, ये सब तो सेठ जी को नहीं बताना। यशोदा, कौन है ये? जी, नौकरी मांगने आया है, कह रहा है आपने बुलाया था। नमस्ते। क्यों, देवी जी ने दांत मार कर बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, क्या बात है सेठ जी, देवी जी की बात जाने दीजिए। ये तड़ी पार की सजा तुम्हें क्यों दी गई थी? वो क्या है सेठ, वो जो नया थानेदार गाँव में आया है ना, उसका अपन बम्बई में बहुत धुलाई किया था, एक साल के लिए तड़ी पार की सजा दी है। सेठ, रोजी रोटी का वादा है, मिल जाए ना अपन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे ये अपना शमशेर और यहाँ आओ गिरगट आओ। शेफ, अरे शेम, हथकड़ी लाओ ना। यस सर। पहनाओ। लेकिन मैंने क्या किया है? खून, तुमने पगले बाबा का खून किया है। ये झूठ है सेठ जी, माँ जी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे भाई, बात क्या है? नमस्ते बात कहो, कम से कम आंख तो मिलाओ। अपने पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। कमान, टेक इन। कमान। मजी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। देख इंस्पेक्टर, इस तरह कार की तरह बदला मत ले, मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी चाहे जितने भी होशियारी से काम क्यों ना ले, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। ये ताबीज तुमको कहाँ मिली? ये ताबीज मिली नारियल बाग में, जहाँ तुमने पगला बाबा का खून किया। मैंने पगला बाबा का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। तो किसने किया है? क्या देखा था तुमने बाग में? देखो गोपी, अगर तुम सच से बता दोगे ना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। करो साला, चाल चलता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं। सिंह साहब। यस सर। बंद कर दीजिए सर। खोल दे बे। क्या बात है राधा जी? राम राम बड़ा साहब। राम राम। सवेरे सवेरे आप यहाँ कैसे? क्या बताएं बड़ा साहब, हम रात भर सो नहीं पाए। काहे, टाइम नहीं मिला का? ये बात नहीं है बड़ा साहब, हमें तो ये लगता है किसी दुश्मन ने तोरे कान भर दिए हैं। उसने कोई खून नहीं किया बड़ा साहब, वो खून नहीं कर सकता। ये आप कैसे कह सकते? ये हम नहीं कह रहे,
हमरा दिल कह रहा है बड़ा सा। दिल तो मेरा भी यही कहता है राधा जी, कि वो बेगुनाह है, खून उसने नहीं किया है। कहता है ना, हमें मालूम था। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात छुपा रखी है जो हमें बताना नहीं चाहता है, और जब तक हमें वो बात पता ना चल जाए हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो बेकसूर है। ये बात है, हम अभी मालूम कर देते हैं। ठीक है, अगर उसने वो बात आपको बता दी तो हम उसे अब भी छोड़ देंगे। सच? हाँ। सिंह साहब। यस सर। आप राधा जी को गोपी के पास ले जाइए। इधर गोपी। ए गोपी, क्या है? अरे काहे को इतना गुस्सा करता है, बता देना जो बड़ा साहब जानना चाहते हैं। क्यों? देख, अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे, वो बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है? पुलिस की दलाल? हाथ यहां से, वो मुझे छोड़े या फांसी पर चढ़ा दे। तुझे क्या, तू मेरी लगती क्या है जो तेरे कहने में सब कुछ बता दूं? चल भाग यहां से, भागती के नहीं भाग। हाँ हाँ जाती हूँ, कमीने उज्जट नलायक। क्या हुआ राधा जी, दिल धोखा खा गया? बड़ा साहब, तोरा दिल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमरा दिल कहता है कि खून इसी ने किया है, छोड़ना नहीं कमीने को, फांसी पर चढ़ा देना। अब तो वही रास्ता अपनाना होगा। अरे अरे, ये यशोदा कहाँ जा रही? सर, दयाल सिंह की बीवी आई है सर। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। मैं यशोदा हूँ, गोपी की जमानत देने आई हूँ। गोपी के साथ आपका क्या रिश्ता? लेकिन उसने कहा है वो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। आपका बेटा? हाँ, जब गोपाल 7 साल का था मुझसे बिछड़ गया था, वो मेरे गोपाल को जानता है, मिला था उससे वो। अगर आप गोपी को जेल भिजवा देंगे तो मेरे बेटे को कौन ढूंढ कर लाएगा? ये देखिए, मैं उसकी जमानत के लिए जेवर भी ले आई हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, उसने खून नहीं किया। मैं मानता हूँ यशोदा जी, गोपी ने खून नहीं किया, मगर उसने ऐसा कुछ देखा जरूर है जो अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो असली खूनी कानून के शिकंजे से निकल जाएगा, और गोपी सिर्फ अपनी जिद के लिए हमें वो बात नहीं बता रहा है। वो बताएगा, जरूर बताएगा, मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उससे कहती हूँ। ठीक है, चलिए। गोपी, आप यहाँ क्यों आई? माँ जी, तेरे लिए आई हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लोग क्या समझेंगे? लोग तो मुझे पागल समझते हैं। नहीं माँ। माँ जी, कोई मेरे सामने कहकर तो देखे। गोपी, थानेदार साहब कह रहे थे वो तुझसे कुछ जानना चाहते हैं, बता दे बेटा, अगर तू नहीं बताएगा तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी इतनी बात क्या नहीं मानेगा? माँ जी, बेटा खा मेरी कसम। नहीं माँ जी, इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूं गोपाल। इसका मतलब कि सेठ दयाल दास जेल गया हुआ पुराना पापी छगन लाल है। हाँ, जब वो मेरी माँ को मुझसे जुदा कर रहा था तो कह रहा था कि मैं एक हरामी हूं, गंदी नाली का कीड़ा हूं, शायद मेरा कोई जन्म परिचय भी ना हो, लेकिन इस देवी ने अपने सीने से लगाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे मेरी माँ चाहिए। आज माँ मिलने के बाद भी मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि मैं उसका बेटा गोपाल हूं। मैंने उनके सारे सपने तोड़ दिए, अनपढ़ तो हुई लेकिन इंस्पेक्टर, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूं। गोपी, इंसान अपने कर्म से ही अच्छा है बुरा बनता है, जैसा मैं कहता हूं वैसे तुम करो, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मां भी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिलहाल तुम्हें गोपी बनकर
वहां सब बातों पर नजर रखनी है, कौन आता है, क्या बातें होती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रहने ना दे तो? रहने देगा गोपी, जरूर रहने देगा। रहना तो दूर की बात, अब तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोकरी वाली मनगढ़ंत कहानी उसके दिल में बिठा सको तो। क्या नारियल बाग में तुम कब गए? शाम को। शाम को? हाँ, विदु गवाला ने शराब की दावत दी थी और कहा कि सूरज ढलने से पहले नारियल बाग में हमारा इंतजार करना, हम आकर तुझे ले जाएंगे। साला उनकी किस्मत ही फूटी थी ना, जो शराब के लालच में वहां झक मारने चला गया। अरे सुनो तो, तुमने वहां देखा क्या? पगले ने खुरपी निकाली, फिर झाड़ के पास कुछ खोदने लगा, फिर वहां से एक लकड़ी का बाकस निकाला, बाकस तो फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर के कागजात लेकर छोकरी को कहा, संभाल कर रखना, इसी में ही सब कुछ लिखा है। तुम उस छोकरी को देखोगे तो पहचान लोगे? यही तो लफड़ा है ना सेठ, जब से साला वो कमीना थानेदार इस गांव में आया है ना, अब उनके लिए गांव जहन्नुम बन गया। कौन साला रहना चाहता है इस गांव में, लेकिन साला बोलता है जब तक तू उस लड़की का शनाख्त नहीं करेगा तू गांव से जा नहीं सकता। नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो लड़की मिल जाए तो उसकी शनाख्त नहीं करोगे। अरे सेठ, फिर तो साला अपन को सचमुच मार डालेगा। अरे कोई नहीं मारेगा, हम जो है अब तुम हमारे आदमी हो, लेकिन तुम ये उसको बताओगे नहीं। अरे सेठ, मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, पर क्या करें, बीबी जी वहां पहुंच गई और बोला तू सब कुछ बता दे, मैंने सब कुछ बता दिया। हुजूर, हुजूर, बहुत सारी पुलिस। कहां? पुलिस चौकी में। सेठ, अपुन क्या है, मुनीम जी एक नंबर का गधा है, पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहेगा तो सेठ जी जाकर रहेगा। गोपी बाबू, बीबी जी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। हाँ, तुम जाओ खाना खाओ, जाओ। क्या पक रहा था? आ, बैठना। लेकिन ये तो आपका कमरा है माजी। तो क्या हुआ, बैठ जा। मेरे सामने बैठकर खाने में तुझे शर्म आती है क्या? गोपाल तो मेरी गोद में बैठकर खाना खाता था, तू खाना। ये तो बता, तेरा कौन कौन है? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है माजी। मेरा भी तो गोपाल के सिवा कोई नहीं है, उसी की याद लेकर तो जी रही हूं अब तक। मेरे शाम, मेरे
अरे अर्जुन तुम? माँ जी मुझे पता नहीं था कि देवीपुर में इतनी खूबसूरत सुबह होती है। हुजूर वो देखिए खट्टा। अरे अरे हुजूर पाकस। हाँ? इसका मतलब है कि सारी बातें सच हैं। अरे अरे हुजूर चुमका। चुमका। अरे अब चुमका मिल गया तो कान भी मिल जाएगी। हाँ हुजूर मैं अभी गांव में पता लगा के आता हूँ। काके के बच्चे किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए यहाँ ये सब कुछ हमें मिला है। और ये भी किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहाँ आए थे। नहीं नहीं किसको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर इस तरह के एक एंटी सोशल एलिमेंट पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? सर मैं आपसे उम्र में तो छोटा हूं लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है सर कि इंसान जब ममता और जज्बात के बंधन में जकड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता है। ठीक है अगर तुम यही समझते हो तो मुझे कोई चाह रही। अरे हाँ मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। जी सर। तुम्हारे उस शराब के ठेकेदार की जमानत हो गई है। जमानत? किसने दी सर? दयाल दास ने? नहीं देवीपुर के जमींदार भुजंग चौधरी ने। भुजंग चौधरी ये मिर्जागंज रहते सर? नहीं रहते तो बंबई में हैं लेकिन मंदिर के सिलसिले में कलेक्टर से मिलने आए थे। जब भुजंग चौधरी अदालत से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात बिरजू प्रसाद से हुई। कौन है तू? छू दिया? छू तो नहीं। जी नहीं मैं बिरजू। कौन बिरजू? देवीपुर के हनुमान प्रसाद का लड़का। ओ तू हनुमान का बच्चा? तो क्या किया है तूने? इस पर क्या किया है इसने? गैर कानूनी शराब बेचते थे। कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर? जी हाँ। ये हमारे इलाके में। लो पकड़ो 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 मैं देखता हूँ। हुजूर देखता हूँ। साले क्या कर रहे हैं? साले जाने दीजिए। हुजूर साले साले ये मुझे दे दीजिए साहब। ले जाओ इसे मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट से कहना इसे फांसी पर चढ़ा दे। चला कहना ये हमारा हुक्म। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज सवेरे मेरे पास मिलने खुद आए थे और आकर बिरजू प्रसाद की जमानत देकर अपने साथ देवीपुर लेकर चले गए। हम तो कल शाम को ही आ रहे थे मगर फंस गए थे। हुजूर ये सुअर के लिए फंस गए थे हम। चाचा जी। शिवराम आया। हुजूर कड़ी नजर रखना इस कुत्ते पर। तुम्हारा बेचाल देखा तो कूड़े मार मार कर चमड़ी उधेर दे रहा है साले। खड़े खड़े दांत क्या निकालना है? चल भाग सुअर। ए बुआ कौन है ये बदतमीज जो मंदिर में आकर गाली गलौज कर रहा है? आइए आइए मेरी माँ ये बदतमीज आप ही के अधम संतान है। पर क्या बात है बहन जी इन्होंने कॉलेज वाले जाना छोड़ दिया क्या? छोड़ तो नहीं दिया लेकिन अब बड़ी हो गई है ना। अच्छा आपको तो कितने दिनों से कह रही हूँ आप ध्यान ही नहीं देते। कैसे नहीं देते बहन जी आपने अपनी बेटी का नाम सुभद्रा रख लिया अब सुभद्रा लायक वीर अर्जुन तो चाहिए है ना। शिव काका माँ जी की चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? ला इधर ला इधर ला। ये तो बंबई से किसी सदानंद गोस्वामी ने भेजी है। सदानंद गोस्वामी? लेकिन वो तो वृंदावन में रहते हैं। सुबह के पिताजी वो और सदानंद गोस्वामी एक ही गुरु के शिष्य थे। सुबह पढ़ना। माननीय गंगा देवी प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सदानंद गोस्वामी जी के निर्देश पर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। उनकी इच्छा है कि अगली पूर्णिमा के दिन को देवीपुर जाकर राधा गोविंद जी के दर्शन करके भोग अर्पण करेंगे। आपको ये मालूम ही होगा कि गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री मुख दर्शन नहीं करते। इसी कारण आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। प्रणाम अंते निवेदक राम किंकर गुप्ता। अरे भाग में क्या राम किंकर गुप्ता? कोई ब्रह्मचारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहन जी को तकलीफ होगी। नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक या दो दिन की तो बात है। और सदानंद गोस्वामी जैसे महान आत्मा की चरण धूली इस गांव में पड़े ये तो हमारा सौभाग्य है। सुबह जी तू आज ही चिट्ठी लिख दे और भाई साहब आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं हमें कल सवेरे निकलना है। ये वो दिल्ली जाना है। ए? ए, बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है?
जबान सड़ गई है का? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है, बहुत याद आती बिचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बिचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बिचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम नालायक, नमक हराम। ए, नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खाया। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू तू हमें पैसे दिखाता है कमीना? तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। एक मिनट, आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे, तेरे बापू को धंधे में बहुत फायदा होगा। गोपी। आमा। माजी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए। अरे आइए आइए। हट हट, कुशीला। नमस्कार। नमस्कार एसपी साहब, आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से माँ बैठिए ना जी। नहीं ठीक है, बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं, और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नाक बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए बैठिए। भैया कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब, जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है तो खुश रह जाएगा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक करा के यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहां है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहां आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया, इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। ए, झुमका मिल गया, आप कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है, हवेली मैंने देखी है, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होने दो, तुम भी कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ ये तुमने ठीक कहा। हाँ। अब बताएगा कैसे? नहीं क्या हुआ? समझा, पीछे जीप है, पीछे जीप है, बाहर मार के कबूतर बना दूंगा। अरे जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। अबे साले तड़ी पार, कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा छोकरे, डर तेरा दलालू कह रहे। गोपी पुलिस में? जी 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 जी। मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी जी हाँ, छगन लाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ। आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या? अरे जब देखो नाम भूल जाता है। भाई रामदयाल दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगन लाल, छी छी छी, ऐसे लगता किसी घटिया चोर उचक्के का नाम है। चल। सलाम सेठ, तुमने अपन को बुलाया? हाँ गोपी आओ। अरे वो तुम और गिरधारी इन लोगों के साथ चले जाओ और ये सारे संदूक मंदिर पहुंचा दो। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े संदूक। अरे भाई वो क्या है कि वो जमींदार साहब की हवेली मैंने खरीद ली है ना, तो इन संदूकों में उनके चांदी के बर्तन और ना जाने क्या क्या है। खैर वो सब कुछ मंदिर की देवी जी को बता गए हैं, ये चाबियां देवी जी को दे देना, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। चलो जा, जा। नमस्ते माँ जी। क्या चाहिए जी? जमींदार साहब का सामान लाया हूँ, दयाल सेठ ने। मुझे मालूम है मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ये चाबियां दयाल सेठ ने कहा था
आप ही के हाथ में देने के लिए। रख दो यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम जैसे पापी अधर्मी इस मंदिर में आए। अरे क्या हुआ? क्या बात है गोपी, यहाँ क्या हो रहा? प्रणाम हुजूर। क्या? प्रणाम। ये सब क्या? सामान जमींदार साहब का, वो हमारे हुजूर ने उनकी हवेली खरीद ली है ना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी के दर्शन करने आए। नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी ब्रह्मचारी है, आज नहीं बाद में, आज जाइए। आइए स्वामी, आइए स्वामी, आइए। मंगल सिंह गेट बंद कर, आइए चलिए चलिए। माँ जी स्वामी जी आ गए। आ सुबह जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय देवी जी। अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरु जी भगवान के दर्शन कर लें। हाँ चल सुभद्रा, स्वामी जी का ख्याल रखना। जी जय राधे। क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिवराम बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बना है। जी जा। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। भोला दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल चल चल। दादा ये क्या सोने का तरीका है? हाँ सुबह सब सो रहे और वो निशान उस दरवाजे पर है। ये सुबह सुबह तुम दोनों घंटी बजाते रहे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिवराम ये क्या?
कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम? तुम्हारे भगवान का प्रसाद खाकर सब गहरी नींद सो रहे हैं। तुम कैसे जाग गई? मतलब तुमने जो भोग भगवान को चढ़ाया था वो तुम शैतान हो, तुम दरिंदे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। कानून? कानून ने इस जुर्म की सजा बहुत पहले दे दी है मुझे। जुर्म उधार था, काश तुम्हारे भगवान को मेरा वो कर्ज चुकाना है। दे दो चाबी। नहीं। चाबी दे दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा सकते। बात हुई थी फोन से, राम किंकर गुप्ता नाम का आदमी वहां कोई नहीं रहता है, फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन, मेरी एक बात मानोगे? जी माँ जी। भगवान के धन की जब भगवान ने खुद ही रक्षा की है, मैं नहीं चाहती यह हंगामा और बढ़े। हो सके तो ये तहकीकात बंद कर दो। तहकीकात बंद कर दो? आप नहीं जानते इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर हमारे गांव का है और इस मंदिर की मालकिन हमारी देवी जी है। जब वो खुद कह रही है तो हमारे इस धर्म स्थान में समझ नहीं आता कि पुलिस को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। ये बात नहीं है अर्जुन, तुम्हारे कानून से अगर वो बच भी जाए तो भगवान की सजा से वो कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रामू दादा यहां? माँ जी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है, रास्ते में मिल गया तो उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। कह रहा है कि आपसे माफी मांगना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। चलो। बाबा, बाबा। ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। आप इसे जानती हैं माजी? हाँ, ये एक ब्राह्मण संतान है। कोई ब्राह्मण बुलाकर इनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार? अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेवम अग्ने। हरि पंडित जी,
बाप की तरह इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मुखाग्नि मैं ही कर देता हूँ। बाबा तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी ना देवीपुर के मंदिर की दौलत लुटोगे, आज देवीपुर में तुम्हारी चिता सज गई। बाजी कहाँ है? आप लोगों के जाने के बाद बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कहा आप लोग आ जाए तो खबर कर दो। बुआ वो मेरे पति थे और उस दिन गोस्वामी के भेष में इस मंदिर के दौलत को लूटने भी वही आए थे। ये आप क्या कह रही माँ जी? ये सच है, मैंने उस दिन तुम्हें कानूनी कार्रवाई बंद करने इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पति कानून से बच जाए। मैं तो सब कुछ खोकर भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया था। मैं आजमाना चाहती थी कि भगवान का दिया हुआ वचन कि धर्म की रक्षा के लिए पाप और पापियों के विनाश के लिए जब भी जरूरत होगी वो इस धरती पर प्रकट होंगे, क्या एक छोटा दिलासा था? नहीं अर्जुन, वो प्रकट हुए इसी मंदिर में, प्रकट हुए एक अधर्मी को सजा देने के लिए। पत्थर का रूप लेकर वो पापी के सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़े। चलो गोपी चलते हैं। तुम नहीं गए? मुझे कुछ और भी जानना है। जिसे हम भुलाना चाहते हैं उसे याद दिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप अगर भुलाना भी चाहें तो ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये वही आदमी थे जो मेरा हाथ पकड़कर पाप की दुनिया में ले गए थे। क्या उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि जीने के लिए दौलत चाहिए, सच्चाई धर्म का कोई मोल नहीं। दौलत हासिल करने के लिए चोर बनो, डाकू बनो, चाहे कुछ भी बनो। ताज्जुब की बात है, एक दिन सच्चाई और धर्म की खातिर ही उन्होंने कितनी सारी दौलत को ठुकरा दिया था। क्या? हाँ, जो कुछ मैं जानती हूं मैंने अपने पिताजी से सुना। मेरे पिताजी की तरह रामनाथ शास्त्री भी एक जमींदार घराने के कुल देवता के मंदिर के पुजारी थे। जमींदार के इकलौते बेटे के हाथों एक कुंवारी गर्भवती कन्या का खून हो गया। कानून से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, परम धार्मिक रामनाथ शास्त्री की गवाही। सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को अगर आप अदालत में ये गवाही दे दे कि उस रात कुंदन आपके साथ था मंदिर में। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं वैष्णव हूँ, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हूँ। गीता की सौगंध खाकर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे कह सकता हूँ? उसी की तो कीमत देना चाहता हूँ पुजारी, 50 एकड़ जमीन तुम्हारी बीवी के नाम लिखवा दूंगा और उसके अलावा 25,000 रुपए। बस ठाकुर साहब, मुझे लालच मत दीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। अधर्म के रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भूल गया था रामनाथ शास्त्री की, आप एक धर्मात्मा है, आपकी पूजा तो अलग ढंग से होनी चाहिए। ठाकुर साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके नमक का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा। पुरखों से हम आपके मंदिर के पुजारी हैं, आप आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने पुजारी पद से त्याग दे रहा हूं, कल सवेरे ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। खैरिये शास्त्री जी,
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, आप पर भगवान के गहने चुराने का इल्जाम है। आप जानते हैं किसे क्या कह रहे हैं? मैं मजबूर हूँ शास्त्री जी, कानून का नौकर हूँ ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, मेरा तो सब कुछ खुला पड़ा है। और जानते हो, जब तलाशी ली गई तो उनके बक्से में भगवान के गहने मिले। जिस अदालत में रामनाथ शास्त्री की गवाही पर एक खूनी बेगुनाह साबित हो सकता था, उसी अदालत में चोरी के इल्जाम में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। वहीं पर बुआ जी का बेटा भी हो गया। पिता बुआ को लेकर यहां चले आए, गुजरने का गम भी बुआ पी गई। सिर्फ एक आस एक उम्मीद लेकर वह जीती रही कि 1 साल बाद वो अपने धर्मात्मा पति से मिलेगी। और जब वो दिन आया। आ रहा है गंगा बहन, रामनाथ शास्त्री आ रहा है। लावे माचिसला। लगता है बेटे का गम खाए जा रहा है। अरे फिकर मत कर, मैं तो जिंदा हूँ। रामनाथ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? दाढ़ी बुढ़वा दी, बाल कटवा कर फेंक दिए। देख शास्त्री, मैंने तो अपना जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो गंगा? 1 साल में मैं एक नई दुनिया देख कर आया। वहां के लोगों के सर पर इंसानियत, सच्चाई, धर्म का भूत सवार नहीं होता। पता चला कैसे जीना चाहिए। चल हम उसी तरह जिएंगे। रामनाथ, इंसान को गिरते हुए तो देखा था, लेकिन तुम जैसे विद्वान और ज्ञानी को यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारा यह नया अंदाज, तुम्हें ही मुबारक हो। ठहरिए भाई साहब, मुझे इस नाक में अकेला छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। ये क्या कह रहे हो गंगा, मुझे छोड़कर तुम कहां जाओगी? उस दुनिया में जहां तुम जैसे पापी की छाया तक न पड़े। गंगा मर गई तुम्हारी गंगा। अगर यही रास्ता अपनाना था तो उस दिन धर्म और सच्चाई का ढोंग रचाकर ठाकुर साहब की दौलत को क्यों ठुकराया था? क्यों मेरी कोख उजाड़ दी तुमने? मैंने? हाँ तुमने। 1 साल जेल में रहकर तुमने 30 साल की जिंदगी को भुला दिया, शास्त्र घराने की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं ये समझूंगी मेरे और तुम्हारे सारे रिश्तों की मौत हो गई है। सुन गंगा, गंगा जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। उसी दिन से बुआ हमारे संसार का एक हिस्सा बन गई। जब से मैंने होश संभाला, बुआ को एक पल भी अपने पति की याद करते नहीं देखा। और माँ जी का वो बेटा, उसका कोई पता चला? नहीं। लेकिन गांव वाले तो यही समझते हैं ना कि देवी जी अपने पति के साथ मिली हुई हैं। हाँ, देवी जी ना भी हो मगर कोई न कोई साजिश में जरूर शामिल है, और उसे ढूंढ निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सेठ जी। हाँ, क्योंकि भले ही वो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया हो मगर उसके वो दोनों शागिर्द, वो दोनों तो जिंदा है ना। मगर थरदर साहब, अब वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे सेठ जी, जरूर मिलेंगे। आप शायद भूल गए कि गोपी को मैंने जिस बस्ती से अरेस्ट किया था, वो लोग भी उसी बस्ती के रहने वाले हैं। मगर गोपी बताएगा सेठ जी, बताएगा। जी हाँ, नमस्कार। अरे इधर पैरा कर, उठ, ये ले, सब कुछ याद आना, चल चल भाग भाग। सुनिए ओ गाड़ी वाले साहब, एक मिनट साहब। साहब ये पुलिस चौकी का रास्ता यही है ना साहब? एक लड़की ने ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को देने को कहा है। हाँ हाँ इधर ही है, सीधा चले जाओ। अरे एक मिनट ठहर जा, ठहर जा, ठहर। कौन लड़की है, किधर रहती हो? उन्हें हम नहीं जानता साहब, स्टेशन पर मिली थी, कहने लगी जरूरी चिट्ठी है, नए थानेदार साहब को दे देना। हाँ कोई बात नहीं,
मैं ये चिट्ठी नए थाने साहब को पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। अरे भाई जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रणाम थानेदार साहब, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं खुद पुलिस चौकी आ जाती मगर नहीं चाहती कि दुश्मनों को मेरी असलियत का पता चले। मर गए, सुनने में आया है कि उस दिन तड़ीपार ने मुझे देख लिया था। आप जल्दी से वो कागजात मुझसे ले जाइए। इतना बता दीजिए कि मैं आपसे नरियल बाग में कब मिल सकती हूँ, क्योंकि मंदिर में चोरी की जो साजिश हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं वो सारे नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। अरे पड़गे हैं, पड़गे। अरे किधर जाओ, जल्दी जाओ, गोपी को हवेली में छुपा दो, मैं मिर्जाघर जाता हूँ। चलो जल्दी करो, चलो। आओ आओ, ये रहा बिस्तर, यहाँ आराम से सो जाओ। है ये चाचा, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? अरे बाबा कोई नहीं रहता, वो चाची है ना माधो सिंह की घर वाली, मैं उसको बोला है, वो तुम्हारे लिए खाना भी ले आएगी। अब तुम आराम करो, मैं चला। है? करना है, अच्छी तरह से समझ गई ना? क्यों नहीं, आपके हुक्म पर मैं जान भी दे दूंगी हुजूर। देना नहीं सुंदरी, जान लेना है। ये तो बहुत आसान काम है हुजूर, लगता है दयाल सेठ आ गए हैं। अरे गोपी, गोपी आवाज दे, खाना खाओ। अरे खाना वाना छोड़ो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फौरन पुलिस चौकी जाओ और जाकर कहो कि वो लड़की मिल गई है। क्या बोलता है सेठ? हाँ, तुम थानेदार को नारियल बाग ले जाओ, वहां तुम्हें लड़की मिल जाएगी। बस तुम उसकी शिनाख्त कर देना कि ये वही लड़की, बस तुम्हारा काम खत्म। लड़की के बारे में नहीं बताएगा ना? हमें लड़की मिल गई है। डॉक्टर, ए, तुम साथ हो मेरे। हाथ छोड़, हाथ छोड़, नहीं तो नहीं बोलूंगा। हाथ छोड़, तुम वही करो। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पगला बाबा के साथ यही छोकरी थी। सुना आप उसे मिलना चाहती थी? हाँ जी। वो कागजात कहाँ है? पीछे, पेड़ के पीछे। चोरी साली, चाची बनकर बैठी थी। बट इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा इलाज करने आई थी क्या? इसमें मुझे नहीं मालूम, जाने दो मुझे। बताएगी कहाँ? पहले बता हुजूर कौन है। वो भी ऐसे नहीं बताएगी। नहीं, नहीं, नहीं! अरे पप्पी, इतनी देर कहाँ कर दी? काम हो गया? काम सत्यानाश हो गया। ये छोकरी तुम्हें कहाँ मिली? ये तो वही छोकरी है। अपन सच कह रहे सेठ, अपन ने कानों से सब कुछ सुना। छोकरी ने सारे कागज थानेदार के हाथों में दिया और कहा, इतने दिन असलियत छुपाकर दुश्मनों के बीच रही, अब अगर उन लोगों को पता चल गया मैं कौन हूँ, मुझे तो जान से मार डालेंगे। ओ, सुंदरी, लेकिन ये कौन है? ये तो मंदिर का शिव काका है। क्या? नमस्ते सेठ जी, क्या काम है? कल माँ जी का पति का श्राद्ध है, गोपी ने मुखाग्नि की, इसलिए माँ जी ने गोपी को बुलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान के मंदिर में चोर का श्राद्ध हो रहा है। ए, ए, ये क्या हो रहा है भैया? गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, जाओ। गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, देवी जी की जय, देवी जी की जय, गंगा देवी।
देवी जी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, देवी जी की। भैया यहाँ सब कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में छुपा हुआ। तुम बता सकते हो छगन लाल कहाँ रहता? छगन पहचाना नहीं छगन लाल, मैं नट्टू। कौन नट्टू? मैं किसी नट्टू को नहीं पहचानता। अच्छा भूल गए अपने पुराने साथी को? क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल। लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? क्या नाम रखा था उसका? हाँ गोपाल। कहाँ है वो गोपाल? मर गया। मरने से काम नहीं चलेगा छगनलाल, मैं अब उसकी असली माँ से मिलकर आ रहा हूँ। अब उसको तो जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने उसके बेटे को तेरे पास बेचा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन यकीन करेगा तेरी बात का? क्या सबूत है तेरे पास? है सबूत भी है। पहले बोल कीमत क्या देगा? कीमत? हाँ छगनलाल, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे भी बड़ा शैतान हूँ। 25,000। 25? पूरे 25। चल चल। सर आ गए सर। सर एसपी साहब का फोन है सर, आइए। यस सर। शर्मा जी सर, कल रात नदी से जयशंकर की लाश मिली है। लाश? मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह है कि उसकी मौत स्नेक बाइट से हुई है। स्नेक बाइट? हाँ, और सुंदरी की सिरिंज में जो लिक्विड मिला है वो भी स्नेक वेनम है। काम का जहर। सुंदरी कुछ बयान देना चाहती है, हो सकता है हमें कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़े। तुम फौरन यहाँ चले आओ। यस सर। सेठ, क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए। ठीक है। बोल कम, गोपाल की असली माँ कौन है? कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल? आराम जादे, तुझे मालूम छगनलाल का क्या हुक्म है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में बहा दूं, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। नहीं, पहले तुझे बताना होगा कि गोपाल की असली माँ कौन है और वो तुझे कहाँ मिली थी। बता दो, वो जो मंदिर की देवी जी है ना, वही गोपाल की माँ। नहीं, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। 24-25 साल पहले गोपाल को मैंने मिर्जागंज से चुराया था। सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है? ये चिट्ठी, गंगा देवी के नाम शिवनाथ शास्त्री की चिट्ठी, चाहो तो तुम ही रख लो। राम सादे, जी तो करता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। किले दफा हो जाए यहां से। और एक बात सुन ले, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, नहीं। फिर कभी तू यहां नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। ठहरो गोपी, कहाँ जा रहे हो?
उस पत्थर की देवी से ये कहने कि तुम उनके बेटे हो जिसने अपने पति से भी रिश्ता तोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि वो पाप के रास्ते पर चल दिया, और तुम समझते हो कि आज वो तुम्हें बेटा मानकर गले लगा लेगी। भूल गए वो बात? मेरा एक बेटा भी है, होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका है। नहीं माँ, तुम देवी हो, देवी रहोगी माँ। कौन कौन? माँ जी हुजूर आए हैं। चाची जी भाई साहब इस वक्त? अरे वक्त का ख्याल ही किसे था बहन जी, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, ये लीजिए मिर्जागंज कलेक्टर साहब की चिट्ठी। परसों कोर्ट रिसीवर साहब आ रहे हैं हमारे पुरखों के मंदिर को हड़प करने के लिए। आज नहीं तो कल, ये तो होना ही था भाई साहब। इसीलिए तो आज ही ट्रक लेकर चले आए। ट्रक? ट्रक, वो जो दो चार पुराने सिंदूके हैं ना मेरे यहाँ पड़े हैं, उनमें दो चार पीतल और चांदी के बर्तन, बस न जाने कब आपका सरकारी दूल्हा बारात लेकर चले आए तो वो भी हड़प कर लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भूख की बात से याद आया, बड़े जोरों की भूख लगी है बहन जी। मैं अभी लाई। अरे नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ करेंगी, मेरी सुभद्रा माई जो है ना, आखिर सुभद्रा के लिए अर्जुन मिल ही गया। शर्माओ मत बेटी, जाओ फूल फल ले आओ। शिवराम जी। हुजूर। बहन जी से चाबी ले ले और हमारे सिंदूक लेके ट्रक में रख दे, ट्रक पीछे की तरफ है। शादी हमारे पुरखों की दौलत सरकार को सौंप देगी। क्या हुआ चाचा जी? सुभद्रा, ए सुभद्रा, क्या हुआ चाचा जी? बहन जी अचानक बेहोश हो गई, कहते हैं दिल का दौरा पड़ा है, मिर्जागंज जनरल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ, अरे घबरा मत घबरा मत, हम चलते हैं और शिवराम सब संभाल लेगा। जल्दी यशोदा। हाँ? यशोदा चलो चलो, अपना गोपाल मिल गया। गोपाल मिल गया? हाँ? कहाँ है गोपाल? बम्बई में, अभी भी फोन आया था ना, हमें इसी वक्त उसके पास पहुँचना है। गोपी को साथ ले जाएंगे? अरे गोपी गया बाहर में, जल्दी करो, अगर जल्दी ना पहुँचे तो गोपाल फिर खो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो चलो। ये क्या रास्ता क्यों रोक रखा है? इसलिए कि तुम भाग नहीं पाओ। बदमाश कमीने, ये क्या पागलपन है, हम कहाँ भाग रहे हैं? मेरा गोपाल मिल गया है। नहीं ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, मैं हूँ गोपाल। क्या गोपाल? हाँ माँ, मैं ही तेरा गोपाल हूं। ये देख माँ, याद है ना एक फकीर बाबा ने दी थी और तूने मुझे पहनाया था, देख। तू आज तक मुझे सताता रहा, मैं तेरे गम में रोती रही, लोग मुझे पागल की तरह, और तू देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। रुक क्यों गई माँ? मार और मार, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर सका माँ, मार 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 और मार और मार। अरे पागल, तू मेरा सपना है, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं सेठ, तू मेरी माँ का सुहाग है, कहीं मेरा हाथ तुझ पर ना उठ जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों को हजूर के दरबार में पेश होना है, चलो। मेरे गोपाल को छोड़ दो। चलो गोपाल को छोड़ दो, मेरे गोपाल को, मेरे गोपाल को छोड़ दो। गोपाल, गोपाल। मुझे दलदल में फंसा कर अपनी बीवी को लेकर
नहीं हजूर, मैं तो आपके पास आ रहा था। हराम की औलाद, ये पुलिस का दुश्मन है। नहीं, ए, ले जाओ उसे कयासुर के पास। कहो इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करे। दो टके के मवाली भुजंग चौधरी से टक्कर लेने आया था। डॉक्टर। यस सर। सबके लिए एक इंजेक्शन तैयार करो ताकि क्या कर रही हैं आप? पापी शैतान अपने ही कुल देवता का मंदिर लूट रहा था, ये है तेरा असली रूप? मेरा असली रूप तूने देखा ही कहाँ है भिखारन? तुझे नहीं मालूम किसने भी कपाल पकड़ा तूने, किसने भी पर हाथ उठाया? शक सही निकला सर, हवेली का बेचना और खरीदना सिर्फ एक नाटक था। हवेली का सारा गैर कानूनी माल इस मंदिर में रखा गया है और इस मंदिर की सारी दौलत भी इस संदूक में भर के बाहर भेजी जा रही थी। आइए, मां जी कहां है? खबरदार, हाथ नहीं लगाओ। आप यहां चाल लीजिए सर, मैं वहां जाता हूं। बदमाश मेरे गोपाल को उठाकर ले गए हैं, गोपाल को मार डालेंगे, मेरे गोपाल को मार डालेंगे। आपके गोपाल को कुछ नहीं होगा, आपके गोपाल को मैं वापस लेकर आऊंगा। सुभद्रा का बोल, मुझे नहीं मालूम। बोल नहीं तो उस कमरे में। सुरेश, तुम माँ जी सुभद्रा को लेकर मंदिर जाओ, गिरफ्तार करो इसे।
नहीं नहीं वो फेंक दो, बड़ी खतरनाक चीज है। नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो? देख तू अपनी आंखों से अपनी मौत देख कुत्ता। नहीं गोपी। कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा तुझे? छोड़ दो, छोड़ दो इंस्पेक्टर, छोड़ दो गोपी। मेरी माँ पर हाथ उठाना, मेरी माँ का। देखा गोपी, जिस जहर से आज तक इंसानों की जान लेता रहा, उसे जहरीले सांप ने आज इसे खुद डस लिया। गोपी तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि इसने तुम्हारी मां पे हाथ उठाया? मैं खुद उनसे मिलकर आ रहा हूं, यशोदा जी गांव में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हां गोपी, हां मैं तो उस मां की बात भूल ही गया था, मैं जा रहा हूं। ठहरो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो गोपी? नहीं तो सच बताओ गोपी, क्या बात है? तुमने मुझे इंसान बनाया, मुझे भाई जैसा प्यार दिया, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। आज मेरी कसम खाकर कहो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। देखो गोपी, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, कसम उसम खाना नहीं मानता, लेकिन राज को राज रखना जरूर जानता हूं। सच बता क्या बात है? मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि मेरा कोई जन्म परिचय नहीं है। है भैया, मेरा जन्म परिचय है, वो मंदिर की माँ जी मेरी माँ है। गोपी? हाँ भैया। और तूने ये बात अब तक अपने दिल में छुपाए रखा? चल इसी वक्त मंदिर में माँ जी के पास। नहीं भैया, पहले उनके माथे पर अपने पति की वजह से कलंक का दाग लग चुका है, आज अपना रिश्ता जाहिर करके मैं उस दाग को गहरा नहीं होने दूंगा। ये तो क्या बकवास कर रहा है गोपी, माँ के लिए बेटा कभी? नहीं भैया नहीं, मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। और फिर आज तो उन्हें बहुत अच्छा बेटा मिल गया है। फिर मेरी वो माँ जो 20 साल से सिर्फ मेरी याद लेकर जी रही है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? गोपी, भगवान श्री कृष्ण भी एक दिन यशोदा मैया को छोड़कर अपनी माँ के पास चले गए थे। वो भगवान है भैया, मैं तो इंसान हूं। अर्जुन, हम बेकारी राह देख रहे हैं, वो नहीं आएगा, चलो हम चलते हैं। नहीं माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो एक बार यहाँ जरूर आएगा। दीदी, 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 तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो, जाने से पहले मेरे बेटे और होने वाली बहू को आशीर्वाद देकर जाओ। सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। जाओ बेटा। आंसू किस लिए है रे पागल? हाँ, अर्जुन ने मुझे सब बता दिया है, कितना महान फैसला है तेरा, आज बड़े गर्व के साथ सर ऊंचा करके इस गांव से जा रही हूँ कि मेरी कोक से एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया है। माँ। ना ना बिटना, मुझे तो खुद खुद खूने की आदत से पड़ गई है, लेकिन यशोदा वो तो तेरे ही लिए अब तक जीत रही, और आज तो उससे नई जिंदगी मिली है, तू यशोदा का ही गोपाल है। आह, आज भगवान के सामने सौगंध खाकर मुझे वचन दे कि यशोदा को कभी नहीं बताएगा कि तू मेरा बेटा है। यशोदा जी। दीदी, ये लो तुम्हारा गोपाल, मैंने इसे भगवान के सामने सौगंध खिलाई है, अब तुम्हारा बेटा
तुम्हें कभी नहीं सताएगा। सागर संगम यहाँ, सागर